दोस्तों आजकल डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां डेंगू ने आक्रमण ना किया हो और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन और उसके साथ एसिडिटी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब रोगी की हालत बिगड़ जाती है तो अचानक अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का दबाव बनाते हैं। सामान्य प्लेटलेट्स की उम्र 3 से 5 दिन होती है। शरीर में हर रोज हजारों प्लेटलेट्स के टूटने और निर्माण होने की प्रक्रिया चलती रहती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम होने पर उसे प्लेटलेट्स की कमी या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। डेंगू में जो देखने में आ रहा है वो है प्लेटलेट्स का लगातार कम होने की समस्या का गंभीर रूप ले लेना। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम होने पर रोगी की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब कभी हमें कोई चोट लगती है और कहीं से रक्त स्राव या ब्लीडिंग शुरू होती है तब इस रक्त स्राव को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य प्लेटलेट्स द्वारा किया जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या बेहद कम हो जाने पर रोगी को अंदरूनी रक्त स्राव शुरू हो सकता है, जैसे कि नाक या दांत से खून निकलना, पेशाब में खून आना, चमड़ी के नीचे लाल थक्के जमना। ऐसे लक्षण नजर आने पर रोगी को तुरंत उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पपीता। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का रस सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। 2009 में मलेशिया में हुए एक अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि डेंगू बुखार में ताजे और स्वस्थ पपीते के पत्तों का रस देने पर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने में सहायता मिलती है। पपीते के पत्ते का रस आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इसे पीने से उल्टी होती है तो ये नहीं लेना चाहिए। पपीते का फल खाते समय पका हुआ फल लें और उसे खा लें। दूसरा है गेहूं ज्वारा, यानी कि व्हीट ग्रास। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए आप गेहूं की घास का उपयोग भी कर सकते हैं। 150 ml स्वच्छ और ताजे गेहूं के घास का जूस पीने से केवल प्लेटलेट्स ही नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन, सफेद रक्तपोशी और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में भी सहायता होती है। तीसरा है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ में इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने में भी सहायता मिलती है। रोगी को इसकी स्वादिष्ट और पाचक सब्जी बनाकर खिला सकते हैं या फिर इसका 10 ml ताजा जूस रोगी को दिन में 3 बार पिला सकते हैं। चौथा तरीका है कद्दू, यानी कि पंपकिन। कद्दू में प्रचुर मात्रा में विटामिन के होता है। प्लेटलेट की तरह विटामिन के भी शरीर में रक्त स्राव होने पर खून को जमाने का काम करता है। आप रोगी को कद्दू की सब्जी बनाकर दे सकते हैं, फिर रोजाना 150 ml कद्दू का रस 1 चम्मच शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं। पांचवा तरीका है गिलोय। दोस्तों गिलोय का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसे लेने का तरीका है कि 10 गिलोय की बेल के टुकड़े तोड़कर उसे 150 से 2 लीटर पानी में उबालें और उसमें 5 से 7 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक और 2 चुटकी अजवाइन डालकर तब तक उबालें जब तक वो पानी आधा ना रह जाए। इसके बाद इसे ठंडा करके गुनगुना करके रोगी को खाली पेट देने से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। गिलोय का रस लेने के 30 मिनट तक रोगी को कुछ भी ना दें। अगला तरीका है कीवी। कीवी फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, ई और पॉलीफेनॉल होता है। रोजाना एक कीवी सुबह और शाम खाने से प्लेटलेट की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू होती है। कीवी फल खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। इसके बाद है दोस्तों अनार। अनार एक बेहद पौष्टिक फल है। इसमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। ये हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। आप रोगी को अनार के दाने खिला सकते हैं। इसे खाने से गैस भी नहीं बनती और रोगी का पाचन भी सुधरता है। अगर अनार का जूस देना है तो इसे घर पर ही तैयार करें और उसके बाद डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को जरूर दें। दोस्तों हमारे शरीर में पानी का बड़ा महत्व है। शरीर में रक्त के निर्माण होने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होना जरूरी है। व्यक्ति को रोजाना 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिलाना चाहिए। डेंगू में शरीर में पानी की कमी होना बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ उपयोगी सलाह है जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर पेट के अंदर की त्वचा लाल हो जाती है जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ जाती है। ऐसी हालत में रोगी को कच्चा, भारी, तीखा और मसालेदार नहीं देना चाहिए। चाय, कॉफी, शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। रोगी को एक साथ अधिक आहार देने की जगह थोड़ा थोड़ा आहार हर 20 से 30 मिनट में देते रहें। प्लेटलेट्स कम होने पर बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भारी दवा या चूर्ण लेने से हानि हो सकती है। यदि रोगी तुलसी के पत्ते और पुदीना की पत्ती मुंह में रखे तो मुंह का स्वाद बिगड़े बिना वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है। छोटी इलायची के बीज मुंह में रखें और चूसते रहें।
रहें, ये भी प्लेटलेट्स की संख्या को मेंटेन करते हैं और घटने नहीं देते। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो जुड़ी हुई थी आपके स्वास्थ्य से। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।